हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू जियो माइंड। और इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जो कि है ट्रायसिक पीरियड। तो आप सबको पता है कि ट्रायसिक पीरियड आता है अपना मीजोजोइक एरा के अंदर, और ये वीडियो सीरीज चल रही है अपनी जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे। तो पीलेजोइक एरा हमने ख़त्म कर लिया है, पूरा जो 6 के 6 पीरियड्स हैं वो सारे कवर कर लिए हैं अच्छे से, कैम्ब्रियन से लेके परमियन तक, ठीक है। और जितने भी इवेंट्स हैं उस वीडियो उस इन पीरियड्स में उनको मैंने अच्छे से कवर किया है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो उनको देख सकते हो। सो आई विल प्रोवाइड द लिंक एट द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने प्री कैम्ब्रियन हिस्ट्री ऑफ अर्थ की वीडियोस भी बनाई हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम अपना मीजोजोइक एरा शुरू करेंगे, और जो 3 पीरियड आते हैं मीजोजोइक एरा में, यानी कि ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, उनकी वीडियो सीरीज में बनाने वाला हूँ। तो ट्रैसिक पीरियड पहला पार्ट रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने थंबनेल को मैं जैसे मैं डिस्क्राइब करता हूँ वैसे डिस्क्राइब करूंगा। तो ये डायनासोर जैसा क्रीचर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये एक्चुअली इट्स नॉट अ डायनासोर, इट्स अ यू कुड से अ रिलेटिव ऑफ डायनासोर, ठीक है। तो ये है पोस्टोसुकस। तो पोस्टोसुकस बेसिकली क्रोकोडाइलियन फैमिली से है, ठीक है। तो इसी का एक जीनस कहें या स्पीशीज कहें, वही एक क्रोकोडाइल में तब्दील हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, टाइम के साथ। तो क्रोकोडाइल जैसे कुछ थे, और ये इनका ये फेमस इसलिए थे क्योंकि ये ट्रायसिक पीरियड में जो है एपेक्स प्रेडेटर के नाम पे जाने जाते थे टेरेस्ट्रियल, ठीक है, एनवायरमेंट में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो बेसिकली ये जो क्रीचर है ये एक रेप्टाइल है, मरीन रेप्टाइल, ठीक है। तो इनको हंट कर रहा है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे जैसे वीडियो चलेगी आगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो कुछ सबसे पहले हम मीजोजोइक के बारे में पढ़ते हैं कि मीजोजोइक जो एरा है उसका हम एक बेसिक देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो मीजोजोइक एरा शुरू होता है अपना 252 से लेके और ख़त्म होता है 65 मिलियन ईयर्स पे, ठीक है। तो आपने परमियन ट्रायसिक की वीडियो अगर देखी है तो उसमें मैंने परमियन एक्सटिंक्शन को अच्छे से कवर किया है, ठीक है। तो मीजोजोइक एरा शुरू होता है अपना परमियन पीरियड के बाद, ठीक है। तो इससे पहले का जो एरा है वो है पैलेजोइक एरा, ठीक है। तो मीजोजोइक इज अ सक्सेशन ऑफ पैलेजोइक एरा। तो लगभग 180 मिलियन साल तक ये चला, यानी कि ट्रायसिक से क्रिटेशियस पे, ठीक है ना। तो 180 मिलियन ईयर्स। देन दिस एरा सबको पता है कि 3 वेल नोन पीरियड्स, यानी कि ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस पीरियड्स, ठीक है। नाउ आपने परमियन ट्रायसिक देखा होगा कि मास एक्सटिंक्शन हुआ था, तो सबसे भयानक मास एक्सटिंक्शन जो हुआ था वो परमियन ट्रायसिक में हुआ था, जिसमें लगभग 95% जो स्पीशीज थी, ठीक है, वो विलुप्त हो चुकी थी या एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, ठीक है। तो जो परमियन एंड परमियन था या अर्ली ट्रायसिक एक्सटिंक्शन कह सकते हो आप इसमें, ठीक है। और एक और ट्रायसिक एक्सटिंक्शन हुआ था, लेट ट्रायसिक एक्सटिंक्शन जिसे बोलते हैं। तो ये चौथा एक्सटिंक्शन था, ठीक है, अपनी जो टोटल 5 एक्सटिंक्शन है मास एक्सटिंक्शन, उसमें चौथा एक्सटिंक्शन लेट ट्रायसिक एक्सटिंक्शन था, और पांचवा सबको पता है क्रिटेशियस टर्शरी एक्सटिंक्शन था, ठीक है। तो पेलियोजोइक एरा जो था हमारा, मतलब इससे पहले का जो एरा था वो ग्रेट एक्सटिंक्शन में एंड हुआ था, ठीक है। तो वो बाउंड्री बनाता है पेलियोजोइक और मीजोजोइक एरा में, ठीक है। और जो ये एरा है मीजोजोइक एरा, ये भी खत्म हुआ था द ग्रेट एक्सटिंक्शन में, जो मार्क करता है सीनोजोइक और मीजोजोइक एरा को। तो यहाँ खत्म हुए थे डायनासोर्स, ठीक है, केटी एक्सटिंक्शन में। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो और थोड़ा सा कुछ देखते हैं, जानकारी लेते हैं मीजोजोइक एरा के बारे में। तो मीजोजोइक एरा इज ऑफन कैरेक्टराइज एज द एज ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है ना। बिकॉज एनी मेजर रेप्टाइल्स ग्रुप वर दी सॉरी मेनी मेजर रेप्टाइल्स ग्रुप फॉर द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ
एनिमल लाइफ। तो डिवोनियन में हमने देखा कि डिवोनियन को कहते हैं एज ऑफ फिशेस, क्योंकि वहां जो डोमिनेंट थी वो फिश थी, और मीजोजोइक एरा में जो डोमिनेंट रहेंगे अपने डायनासोर्स रहेंगे, जो कि एक तरीके के रेप्टाइल्स थे। ठीक है, जैसे कि इक्थायासोर्स, ये एक मरीन रेप्टाइल था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मरीन एनवायरमेंट में इक्थायासोर्स काफी डोमिनेंट थे ट्रायसिक पीरियड में। ठीक है, और टेक्टोनिक्स की बात करें तो टेक्टोनिक्स में जो अपना पेंजिया था, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका था, एंड अपना अर्ली और या मिडिल ट्रायसिक बोल सकते हैं, ठीक है, या सॉरी लेट ट्रायसिक में ये रिफ्ट करने लग गया था। ठीक है, पेंजिया, तो पेंजिया रिफ्ट करेगा धीरे धीरे लॉरेशिया एंड गोंडवाना में, और जुरासिक आते आते ये पूरा रिफ्ट हो जाएगा दोनों भागों में, ठीक है, लॉरेशिया और गोंडवाना में। ठीक है, तो लॉरेशिया आपको पता है नॉर्दर्न जो कॉन्टिनेंट्स हैं अपने, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, ठीक है, इसमें स्प्लिट हो जाएगा। वहीं गोंडवाना सबको पता है कि अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्प्लिट हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये मीजोजोइक एरा की बात चल रही है, अभी ट्रायसिक की नहीं चल रही। तो मीजोजोइक को हम एक ओवरव्यू दिखा रहे हैं। फिर टाइम स्केल की बात करेंगे तो आप टाइम स्केल देख सकते हैं यहाँ पे कि जो फनेरोजोइक इयोन है उसके अंदर तीन एराज आते हैं, पेलेजोइक जो हमने कवर कर लिया है, और ये चलेगा मीजोजोइक, ठीक है, जिसकी ये पहली वीडियो है। तो मीजोजोइक के अंदर आते हैं तीन पीरियड, तो हम आज कवर करेंगे ट्रायसिक पीरियड को इस वीडियो में, ठीक है, और होपफुली ये दो या तीन पार्ट में ये ट्रायसिक की वीडियो खत्म हो जाएगी। ट्रायसिक अपना 251 से लेके 199 मिलियन ईयर्स पे खत्म होता है। ठीक है, फिर अब हम बात करेंगे जो ट्रायसिक का प्रॉपर है, यहां से हम ट्रायसिक शुरू करेंगे। तो फनेरोजोइक इयोन, मीजोजोइक एरा, ट्रायसिक पीरियड। ट्रायसिक पीरियड को डिवाइड किया है तीन सीरीज में, लोअर, मिडिल और अपर, और ये आप देख सकते हैं स्टेजेस में। ठीक है, तो मतलब सबसे लोवेस्ट जो स्टेज है वो इंडवन स्टेज है, ठीक है, और सबसे अपर जो है ये रेशियन स्टेज है। ठीक है, और जीएसएसपी तीन स्टेजेस पे मार्क्ड है, यानी कि इंडवन, नाडिनियन और कार्नियन। ठीक है, तो जीएसएसपी देखते हैं, तो जीएसएसपी है क्या? ये जीएसएसपी है अपना मीशान जेजियांग में। जीएसएसपी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पिछली वीडियोस में, ठीक है, और ये कुछ नहीं है, बेसिकली ये स्टेज को दर्शाता है कि पहली स्टेज पे कौन सा फॉसिल पाया गया है। तो यहाँ कॉनोडोंट फॉसिल पाया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट अपेयरेंस अपेयरेंस ऑफ, ठीक है, दिस हिंडियोडस पार्वस कॉनोडोंट। ठीक है, तो कॉनोडोंट हम आगे देखेंगे कि जो ट्रायसिक एक्सटिंक्शन होता है, एंड ट्रायसिक एक्सटिंक्शन हुआ, कॉनोडोंट एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रायसिक की लोअर बाउंड्री मीशान जेजांग, यानी कि जीएसएसपी मीशान जेजांग में है, और जो फॉसिल है इंडेक्स फॉसिल वो एक कॉनोडोंट है। ठीक है, तो इंट्रो देखते हैं कि ट्रायसिक का इंट्रो क्या है। तो अपना 50.6 मिलियन ईयर्स स्पेन करता है, यानी कि 251 से लेके 199 मिलियन ईयर्स पे। ठीक है, 199 कह लो या 201 कह लो, 200 कह लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर 1 या 2 मिलियन ईयर्स इधर से उधर होता है तो इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो आपको एक मोटा मोटा ध्यान रखना है कि 250 से लेके 200 मिलियन ईयर्स तक ट्रायसिक स्पैन करता है। ठीक है, तो ट्रायसिक इज द फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द मीजोजोइक एरा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि शॉर्टेस्ट पीरियड है, और अगर आपको सबसे लार्जेस्ट पीरियड पता है तो उसको कमेंट में लिख सकते हो आप। ठीक है, तो बोथ द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि जो शुरुआत है ट्रायसिक पीरियड की, वो भी एक मास एक्सटिंक्शन से शुरुआत की है, यानी कि परमियन ट्रायसिक मास एक्सटिंक्शन, और जो खत्म है वो भी एंड ट्रायसिक एक्सटिंक्शन में हुआ है। ठीक है, तो ट्रायसिक पीरियड की जो है स्टार्ट और एंड वो मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट से होती है। तो ट्रायसिक जो डिवाइड है वो अर्ली, मिडिल एंड लेट ट्रायसिक एपोक में डिवाइड है। ठीक है, तो हमने देखा था कि परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन, या जो साइबेरियन ट्रैप्स या साइबेरियन कॉन्टिनेंट फ्लड बसाल के तौर पे आप उसे कह सकते हो, उसकी वजह से मेनली हुआ था पीटी एक्सटिंक्शन, और जो बहुत बहुत ही भयानक था। तो उसके बाद जो थी वो लाइफ फॉर्म बहुत ही कम बची थी। ठीक है, तो इम्परविश था
अर्थ का बायोस्फेयर। ठीक है, तो धीरे धीरे काफी टाइम लगा था जो जीव जंतु थे उनको वापस आने में। तो मिडिल ट्रायसिक में क्या हुआ, लाइफ को रिकवर, जो लाइफ है वो रिकवर होनी चालू हो गई। ठीक है, और डाइवर्सिटी आने लगी। तो 10 to 20 million years लगभग लगे हैं लाइफ को फिर से डाइवर्सिफाई होने में। थेरैपसिड्स एंड आर्चोसॉर्स जो थे, ये चीफ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स थे ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि ट्रायसिक पीरियड में। हमने परमियन में बात की थी सिनेप्सिड्स एंड डायप्सिड्स की, तो आर्चोसॉर्स आपको पता है डायप्सिड्स होते हैं और थेरैपसिड्स होते हैं अपने सिनेप्सिड्स। ठीक है, तो फिर से एक बार ब्रीफ कर लेते हैं कि सिनेप्सिड्स और डायप्सिड्स क्या होते हैं। डायप्सिड्स बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके स्कल के पीछे दो होल्स होते हैं, वैसे सिनेप्सिड्स वो होते हैं जिनके स्कल यानी कि आई सॉकेट के पीछे सिर्फ एक होल होता है। और यानी ह्यूमंस और मैमल्स जितने भी होते हैं वो सिनेप्सिड्स होते हैं, और सिनेप्सिड से ही इवोल्यूशन हुआ है मैमल्स का। और आर्चोसॉर्स होते हैं अपने डायप्सिड्स, इनके टू होल होते हैं, और आर्चोसॉर ही अपने डायनासोर्स, मतलब डायनासोर्स का इवोल्यूशन जो हुआ था वो आर्चोसॉर से ही हुआ था। और क्रोकोडाइल्स हो गए अपने, टर्टल्स हो गए, बर्ड्स होगी, ये सब आर्चोसॉर्स हैं। ठीक है, तो प्रिमिटिव थेरेप्सिड्स और आर्चोसॉर्स डोमिनेंट थे ट्रायसिक पीरियड में। ठीक है, तो आर्चोसॉर्स जो है, डायनासोर्स का इवोल्यूशन आर्चोसॉर्स की लीनियज से ही हुआ है। ठीक है, तो डायनासोर्स जो इवॉल्व हुए थे वो लेट ट्रायसिक्स में सबसे पहले ट्रू डायनासोर्स आए थे, एंड डोमिनेंट वो ऑब्वियसली आपको पता है जुरासिक पीरियड में होंगे। तो जो ट्रायसिक का नाम पड़ा है वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक ऑगस्टक वॉन अल्बर्टी। तो उन्होंने जर्मनी में एक रॉक स्ट्राटा का सीक्वेंस देखा था, जिसमें इसने इन्होंने तीन ट्रायसिक एज के तीन जो स्ट्रेटा थे वो थे। ठीक है, बंटर, मुशल काक एंड कोपर। तो इन तीनों की वजह से ही इस पीरियड का नाम ट्रायसिक पड़ा, यानी कि ट्राय। ठीक है, तो तीन जर्मन फेसिस थी ये, और वेल नोन फेसिस थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे और भी फेसिस पाई गई। तो सबसे पहले ये तीन पाई गई थी, लेकिन धीरे धीरे 20th century में, ठीक है, अल्पाइन फेसिस ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड एंड नॉर्दर्न इटली में पाई गई, ये और ज्यादा डिटेल्ड थी। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में भी फेसिस पाई गई हैं कंप्लीट सीक्वेंस, ठीक है, ट्रायसिक के, और वो ज्यादा एक स्टैंडर्ड माने जाते हैं बजाय जर्मन फेसिस के। लेकिन नाम जो था स्टार्टिंग में जर्मनी, कि ये जो तीन फेसिस थी, और फ्रेडरिक ऑगस्टन वॉन एल्बर्टी ने ही इन तीन फेसिस की वजह से ही इसका नाम ट्रायस पड़ा। ठीक है, ट्रायसिक, तो यानी कि तीन। आगे बढ़ते हैं, फिर हम एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं कि ट्रायसिक में क्या हुआ था। स्टार्टिंग लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन से भी थी, और एंड भी जो था वो एक मास एक्सटिंक्शन से हुआ था। ठीक है, और ट्रायसिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो मैमल्स हैं अपने, सबसे पहले ट्रू मैमल्स जो हैं वो ट्रायसिक में आए थे। ठीक है, फिर जो इंडेक्स फॉसिल होते हैं वो बेसिकली अमोनॉइड्स। ठीक है, स्टार्टिंग के हमने देखा था कॉनोडॉन्ट था, लेकिन कॉनोडॉन्ट फिर ट्रायसिक में एक्सटिंक्ट हो गया था। ठीक है, तो और जो इंडेक्स फॉसिल यूज होते हैं वो अमेनोइड्स होते हैं। ठीक है, वैसे ही बाइवल्विया भी होता है। ठीक है, तो बाइवल्विया और अमेनोइड्स ये इंडेक्स फॉसिल के तौर पे यूज होते हैं, एंड कॉनोडॉन्स। ठीक है, फिर एक पेलियोजोग्राफिक मैप देख लेते हैं। सॉरी, हाँ, तो आप ये देख सकते हो कि ट्रायसिक में, अर्ली ट्रायसिक में कुछ ऐसा था, अपना पेंजिया तो था ही था। ठीक है, पैंथलासा ओशन था, बहुत ही वर्ल्ड ओशन इसे बोलते हैं, बहुत ही ह्यूज था, और ये बीच में अपना टिथियन ओशन था। तो सदर्न हेमिस्फीयर में आप देख सकते हो अफ्रीका, ठीक है, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया भी पार्ट था, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपना नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साइबेरिया वगैरह थे। ठीक है, तो इधर यूराल माउंटेन्स बन चुके थे, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है पिछली वीडियोज में। और यहाँ पे काफी क्वाइट इन्वायरमेंट था, रिफ्टिंग शुरू नहीं हुई थी, रिफ्टिंग शुरू होगी अपनी लेट ट्रायसिक में। ठीक है, स्टार्ट होगी, पूरा रिफ्ट नहीं होगा, और धीरे धीरे ये पूरा रिफ्ट होके ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आगे हम बात करेंगे लाइफ फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, और क्या क्या इवेंट हुए थे, तो तब तक के लिए थैंक यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।